नमस्ते सभी को। तो कल जहाँ तक बात हुई थी उससे हम लोग आगे चर्चा शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही थी, उसी को अब हम आधार बनाते हुए फिर आगे का एक्सप्लोरेशन शुरू करते हैं। अभी हम लोग इस अभ्यास सत्र के पहले भाग में इस बात को देखने का प्रयास कर रहे हैं कि सुख स्वभाव है या प्रभाव। प्रभाव का मतलब कि बाहर से किसी वस्तु के प्रभाव के रूप में मैं सुख को मानता हूँ, मैं उसके लिए प्रयास करता हूँ। स्वभाव का अर्थ कि मुझे स्वयं में सही समझ, सही भाव के आधार पर सुख दिखाई देता है, तो मैं फिर बाहर के प्रभाव से मुक्त रहता हूँ। तो बाहर जो भी घटना घटती है उसका मूल्यांकन करता हूँ, उसके आधार पर निर्वाह करता हूँ, परंतु मैं उससे प्रभावित नहीं होता। ये बात हम लोग अपने आप में देखने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में हमने देखा कि सुख के तीन स्रोत हैं। एक स्रोत है शरीर से मिलने वाली संवेदना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इस तरह के पांच स्रोत अपने को दिखाई देते हैं जिसे संवेदना मिलती है। और इस संवेदना से जैसे मैं सुखी होने जाता हूँ तो उसमें दिखता है कि न तो निश्चितता है, न निरंतरता है, बाहर की ओर परतंत्रता है और उसमें कोई चित्ती बिंदु नहीं है। दूसरा एक स्रोत है सही भाव। तो सही भाव में भी दो भाग हो सकता है, एक तो सही भाव मेरे अंदर स्थापित है, दूसरा हो सकता है कि दूसरे से मैं सही भाव पाने का प्रयास करता हूँ। तो जब मैं अपने सुख के लिए दूसरे से मिलने वाले सही भाव पर निर्भर होता हूँ तो वहाँ पे भी दिखाई देता है कि न निश्चितता है, न निरंतरता है, ना परतंत्रता है और कोई चित्त बिंदु नहीं है। परंतु जब सही भाव मुझ में स्थापित होता है, विश्वास का, सम्मान का, स्नेह का, तो उसमें सुख की निश्चितता भी दिखाई देती है, निरंतरता भी दिखाई देती है, चित्त बिंदु भी दिखाई देता है और मैं स्वतंत्र महसूस करता हूँ, बाहर पे निर्भरता नहीं। मैं अपने भाव के साथ सुखी रहता हूँ, उस भाव को हर संबंध में शेयर करता हूँ। और जो तीसरा सोर्स है स्वयं में सही समझ, इसके साथ ही दिखता है निश्चितता है, निरंतरता है, चित्त बिंदु है, स्वतंत्रता है। ये तीन स्रोत मुझे दिखाई देते हैं। तो इसको अपने आप में जांचने की बात है। इस क्रम में हम लोगों ने फिर सुख को समझने का प्रयास किया कि सुख क्या है। तो देखता है कि जिस भी स्थिति परिस्थिति में जीता हूँ, अगर उसमें लय है, सामंजस्य है, व्यवस्था है, संगीत है, तो मैं सुखी महसूस करता हूँ। उसके अन्यथा अगर देखते हैं तो अगर उसमें अंतर विरोध है, अव्यवस्था है और फिर भी मैं उसमें जीने के लिए यदि बाध्य होता हूँ तो दुखी महसूस करता हूँ। तो सुख एसेंशियली अगर देखें तो बाहर से मिलने वाले कोई सूचना नहीं है। सुख एसेंशियली देखें तो मुझ में स्थापित भाव है और वो तभी हो पाता जब मुझे सही समझ, सही भाव सुनिश्चित होता है। बाहर से जो मिलने वाली सूचना होती है वो सामयिक होती है और दिखाई देगा कि वो एक आवेश के रूप में होती है जो उठती गिरती रहती है, बढ़ती घटती रहती है। इसको समझने के साथ हमने समृद्धि के भाव को भी समझने का प्रयास किया। तो समृद्धि कर दिखाई देता है कि सुविधा की आवश्यकता की निश्चित पहचान हो जाए और उससे अधिक उपलब्ध है इसका आकलन हो जाए तो मेरे अंदर ये भाव बना रहता है कि हाँ आवश्यकता से अधिक है मेरे पास। ये अधिक का भाव तभी आता है जब सुविधा की आवश्यकता की पहचान ठीक से हो पाती है। तो सुविधा की आवश्यकता को पहचानने जाते हैं तो तीन तरह से दिखाई देता है। एक तो शरीर के पोषण के अर्थ में है, दूसरा शरीर के संरक्षण के अर्थ में है, तीसरा शरीर के सदुपयोग के अर्थ में है। तो शरीर को पुष्ट रखने के लिए सुविधा की आवश्यकता होती है, शरीर को बनाए रखने के लिए सुविधा की आवश्यकता होती है और शरीर का सदुपयोग करने के लिए सुविधा की आवश्यकता होती है। शरीर का सदुपयोग क्या है अगर उसको देखें तो स्वयं में सही समझ, सही भाव इंश्योर करने के अर्थ में है, मानव के साथ संबंधों का निर्वाह करने के अर्थ में है और शरीर के लिए जो सुविधा की आवश्यकता है उसका उत्पादन करने के अर्थ में। इतनी बारीकी से सुविधा की आवश्यकता को पहचाना जा सकता है, उसके साथ समृद्धि के भाव को समझा जा सकता है। इतनी बातों को लेकर जो हमने कल तक किया, यदि कोई प्रश्न हो तो बताइए। ये भी बात हुई है कि हम हर दिन अपने साथ आधा घंटा लगाए कम से कम, जब हम पूर्ण रूप से अपने साथ हो। ये अपने साथ हम घर बैठे हुए भी निकाल सकते हैं, मेट्रो में बैठे हुए निकाल सकते हैं, बस में बैठे हुए निकाल सकते हैं, जिसको और कोई भी अपनी तरफ नहीं कर रहे, पूर्ण रूप से अपने भाव के प्रति
अपने विचार के प्रति सजग है, समय के प्रति सजग है, अपनी स्थिति को देख पा रहे हैं। ये एक अभ्यास में आ जाए तो आप पाएंगे कि ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये जो बाहर की ओर भागने की प्रवृत्ति है उसका भी एक देखते हैं कि निदान हो पाता है, क्योंकि मुझे कम से कम ये दिखना शुरू होता है कि सुख भीतर भी हो सकता है। अभी हम जैसे रिलैक्स होते हैं, जैसे ही हमारे पास समय होता है, हम बाहर के साथ कुछ निर्वाह शुरू कर देते हैं। उसके स्थान पर अगर हम अपने आप में देखने जाए और अपने आप में ही सुख को देखने का प्रयास करें तो एक आशा तो बनती है कि सुख का स्रोत भीतर भी हो सकता है। तो उसके लिए काम करेंगे ना, तो हर दिन अपने साथ आधा घंटा लगाना है। दूसरी बात ये हुई थी कि एक जर्नल मेंटेन करें, उसमें जो भी उस दिन का असाइनमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, उसको लिख ले। उसको लिखने के साथ आपको धीरे धीरे अपने में एक गति भी दिखाई देगी कि कैसे उसमें परिमार्जन हो रहा है। तो परिमार्जन को कई बार हम जब देखने जाते हैं तो अपने एक्सप्रेशन में देखते हैं कि सुविधा को देखकर मेरे अंदर उसके प्रति आकर्षण नहीं हुआ, दूसरे के व्यवहार में प्रभावित नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी बात है, बट स्वयं में क्या चला उसको भी देखना जरूरी है। तो जब अभ्यास एक में जाएंगे तो इसकी आवश्यकता और स्पष्ट होगी ठीक से। अभ्यास एक में हम भाव को देखने का अभ्यास करते हैं और आप पाएंगे कि भाव को भी सजग होने में थोड़ा समय लग जाता है। इन जनरल हम विचार को भी सजग हो पाते हैं, उसमें भी काफी समय लगता है। तो इसके प्रति हम आज ही सजग होना शुरू कर दें अपने विचार के प्रति, फिर उसके आगे चल के भाव को भी देखेंगे। तो जब हम अपने साथ समय लगाएंगे उसको जर्नल में नोट करेंगे तो कम से कम विचार में क्या चल रहा है वो तो हमें स्पष्ट होने लगेगा कि नहीं। फिर हम कितने प्रभाव को लेकर विचार कर रहे हैं, कितने स्वभाव को लेकर विचार कर रहे हैं, ये तो स्पष्ट हो जाएगा। उसके साथ कल उन्होंने एक असाइनमेंट ये भी लिया था कि समृद्धि के भाव का आकलन करें और ये देखना शुरू करें कि किन मापदंडों में हमको लगता है कि आवश्यकता से अधिक सुविधा है, किन मापदंडों में लगता है कि नहीं है। सुविधा को लेकर भी हमारे मेजर कंसर्न्स क्या हैं, तो कुछ कंसर्न्स हम लोगों ने कल डिस्कस करके नोट किए थे। आप अपने लिए भी वो कंसर्न्स लिख लीजिए कि सुविधा को लेकर क्या क्या मेजर कंसर्न्स हैं, जहां अपने को लगता है कि अपने को और अधिक की आवश्यकता है, उसको सॉर्ट आउट कर ले, उसको वर्कआउट कर ले। फिर ये भी तय कर सकते हैं कि इतनी सुविधा को पूरा करने के लिए और कितना अपने को सुविधा को उपार्जन की जरूरत है और कितना समय और प्रयास लगाने की जरूरत है, इन सारी चीजों को तय कर सकते हैं। तो आज असाइनमेंट के रूप में समृद्धि के भाव को हम लोग, मुझे लगता है ये जो एक बात आई चर्चा क्रम में, आस्क वाई 5 times, इसको जरा सा करें हम लोग। इस सुविधा जो भी घर में है उसके हम प्रयोजन को देखें, या जो भी सुविधा की इच्छा हो रही है उसके प्रयोजन को देखें और क्यों प्रश्न पूछें, और आप देखेंगे कि 5 layer में वो हमको प्रयोजन स्पष्ट हो जाता है। तो उसको एक एक्सरसाइज कहा जाता है आस्क व्हाई 5 times, तो उसको आज करके देखें।